जो ऊपर वाले पेड़ के एलिमेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो लो रूम टेम्परेचर पे इजिली से इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर जाएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनके रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। अब नॉर्मल पे रिएक्ट करना पड़ेगा तो सर एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, रिडोसिंग रिएक्टर। अब जब साइज बढ़ रहा है, जब आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन पे सबसे बड़ी बात है कि भाई अब वो रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो वो गेन करने में कम टेंडेंसी रखेगा, यानी कि उसकी सोच ऐसे नहीं होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूँ, वो लूज करने की सोच ज्यादा रखेगा। जैसे साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ गया, भाई साइज बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा होते ही क्या हो जाएगा कि साइज जैसे ही बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी घटेगी तो वहां पर उसकी टेंडेंसी वो क्या कर जाएगी, वो लूज इजली करेगा कंपेयर टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन। भाई ये कंफर्ट किसमें फील करता है, तो ये यहाँ पे इजिली से लूज करने में ज्यादा कंफर्ट फील करता है, ज्यादा इजिली से कर जाए कंपेयर टू गेन। गेन कर सकता है, नहीं कि ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप गेन ही नहीं करेगा, गेन करेगा, पर गेन करने से पहले ये लूज करना ज्यादा पसंद करेगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या कर जाता है, यहाँ पे जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर जाता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की, हाइड्रेट हो गए हमारे, अब बात करते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड के लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला रहेगा M, यहाँ पे कोई भी आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट आ जाएगा इसके जगह पे M2O3, M2O4, M2O5। भाई ये फॉलो करेंगे, तीन तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, नेचर के अंदर सबसे बड़ी बात है, ठीक है। नाइट्रोजन नेचर में 5 ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और पांचों के पांचों क्या होते हैं, अनस्टेबल, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी जो वैलेंसी है वो शो करते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, वो प्लस 1 से लेकर और प्लस 5 तक की अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करते हैं। और फिर भी वो किसी भी केस में स्टेबल वो नहीं होते, ठीक है। दूसरा, अब यहां पे आप कोई भी एलिमेंट आप यूज कर लेना, उसके हिसाब से आप जितने भी आप कंपाउंड बनाना चाहोगे उतने कंपाउंड यहां पे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात करूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे एम की जगह पे नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है। इस M की जगह पे आप लिखेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये रहा बिस्मिथ, इनमें से कोई भी लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन N2O3, अगला कौन है M2O4, तो यह हो गया N2O4, अगला कौन सा हो गया N2O5, अगला यहां हो गया N2O5। इस तरीके के आपके ऑक्साइड्स एग्जांपल्स में भी आ गए और आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी यहां पे डिस्कस हो गए। तो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर जैसे ऑक्साइड बढ़ेंगे, अब जैसे ऑक्साइड यहां से बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑक्साइड्स यानी कि जब ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्साइड इंक्रीज, सॉरी ऑक्स अच्छे से लिख लो उसको, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्साइड करेक्टर, इंक्रीज, तो उसके अंदर क्या होगा एसिडिक, ऑल्सो इंक्रीज,
भाई जैसे जैसे ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सुपरऑक्साइड होते हैं, उस तरीके से जैसे जैसे ऑक्साइड को बढ़ाता जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा, स्पेशली ऑक्साइड वाले केस में, उसी प्रकार उसका जो एसिडिक करेक्टर है ना वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करूँ, जैसे नाइट्रोजन ने अपना जैसे ऑक्साइड बनाया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन था, फिर बनाया प्लस टू, फिर प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव। अब जो ऑक्साइड जनरली क्या होंगे, ऑक्साइड भी जनरली क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। भाई देखो ग्रुप 15 के ऑक्साइड हैं वो जनरली पहले से हैं क्या होंगे, एसिडिक होंगे। बट यदि उन्हीं ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, यानी कि एक ऑक्साइड ऐसा है जो प्लस वन ऑक्सीडेशन फॉलो करा रहा है, दूसरा ऑक्साइड ऐसा है जो प्लस फाइव फॉलो करा रहा है, तो दोनों एसिडिक हैं, पर ग्रुप नंबर जिसका ऑक्सीडेशन प्लस वन है उसके कंपेयर में जिसका ग्रुप नंबर, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है सेम ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उसके अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये वाला ऑक्साइड आपका N2O3, इसके कंपेयर में N2O5 पे जाओगे तो N2O5 जो आपके पास होगा वो ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा कंपेयर टू N2O3 के कंपेयर में। ठीक है, नाइट्रोजन अपने जो नेचर में है पांच ऑक्साइड बनाता है, तीन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक आपके पास लाफिंग गैस और दूसरा होता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक आपके पास मैंने लिखा NO। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, और लास्ट जो यहाँ पे ऑक्साइड बचता है वो आता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने ये ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ साथ यदि हम डिस्कस करते हैं ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हैलाइड्स के बारे में। इनको पर्टिकुलर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनको इनकी स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का डी ऑर्बिटल इसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स का वैलेंस होता है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स इसके अनस्टेबल होने का सबसे बड़ा रीजन है, और बाकी कुछ पॉइंट रहेंगे वो हाइड्रेट में हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। अब हम बात करते हैं हैलाइड्स के अंदर, हमें पता चला कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस थ्री से लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस थ्री से लेकर और प्लस फाइव तक फॉलो करता है। ठीक है, अब भाई ये हैलाइड्स हैं वो दो तरीके बनाते हैं, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। सबसे पहले ट्राई हैलाइड और दूसरा आपके पास कैसा होता है, पेंटाहैलाइड। ट्राई मतलब जिसके अंदर तीन बॉन्डिंग हो, पेंटाहैलाइड जिसके अंदर पांच बॉन्डिंग हो। ठीक है, ट्राई हैलाइड के कंपेयर में, ट्राई हैलाइड्स के कंपेयर में पेंटाहैलाइड्स कोवलेंट नेचर विल बी हाई। भाई पेंटाहैलाइड के कंपेयर में जो पेंटाहैलाइड बनाते हैं ना, कि जो ट्राई हैलाइड और पेंटाहैलाइड दोनों दोनों बना दिए इसने, तो ट्राई हैलाइड के कंपेयर में पेंटाहैलाइड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग का नेचर होगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पर इसमें दो एक्सेप्शन हमारे पास फिर आते हैं। पहला आता है हमारे पास नाइट्रोजन, कौन सा था भाई, नाइट्रोजन क्या करता है, नोट डोंट लिख लो भैया, भाई नोट लिख लो, डोंट एग्जिस्ट इन पेंटाहैलाइड ओनली एग्जिस्ट इन ट्राईहैलाइड। ऐसा क्यों होता है, ट्राई हैलाइड कौन सा बनाया इसने, ये बना दिया इसने NH3, ये ट्राई हैलाइड में स्टेबल है, पेंटाहैलाइड में स्टेबल नहीं, बाकी सारे पेंटाहैलाइड बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हाइड्रेट बनाया भाई इसने, हैलाइड की बात करता हूँ तो कोई भी जैसे NF3। ठीक
ठीक है, ये ट्राईहैलाइड में स्टेबल है MCl5 MCl3, तो ये पेंटाहैलाइड में स्टेबल नहीं है, और पेंटाहैलाइड के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, उसका रीजन हमारे पास है कि भाई इसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो क्या होता है, वैकेंट, जो क्या नहीं करने देता इसको पेंटाहैलाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता है, पे पेंटाहैलाइड इसको बनाने नहीं देता, ये इसका सबसे बड़ा ये रीजन है। पेंटाहैलाइड के साथ साथ पेंटाहैलाइड भाई इसने जैसे ट्राईहैलाइड बना दिया, बाकी ने क्या बना दिया, पेंटाहैलाइड, और बाकी ट्राईहैलाइड बनाते हैं पेंटाहैलाइड बनाते हैं, बट जब इनको तोड़ा जाता है, ठीक है, पेंटाहैलाइड ब्रेक किया या डिकम्पोज किया जाता है, कंपोज किया जाता है, तो ये कन्वर्ट होते हैं डिकम्पोज एंड कन्वर्ट टू ट्राईहैलाइड, एंड डाईहैलाइड। ठीक है, फोर एग्जांपल्स, PCl5 डिकम्पोज होगा PCl3 + Cl2। ठीक है, ये PCl को हमने डिकम्पोज कर दिया तो PCl3 में टूट गया और Cl2 डाइक्लोराइड में टूट गया, यानी कि ये नहीं कि पेंटाहैलाइड ज़्यादा स्टेबल, पेंटाहैलाइड भी क्या है आपके पास अनस्टेबल हैं, आप उनको स्टेबल्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा एक बिस्मिथ, वो भी क्या करता है पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, वो भी आपके पास क्या बनाता है ट्राईहैलाइड्स बनाता है। ठीक है, बिस्मिथ, ठीक है, नोट एग्जिस्ट इन पेंटाहैलाइड, ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई, या तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोल दो, क्यों, क्योंकि क्या होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, 4n+1 की सीरीज में आता है ये, ठीक है, सॉफ्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, रिएक्ट कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए क्या बनेगा हैलाइड नहीं बनाएगा, और हैलाइड के बिना ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, उसके बाद ये पेंटाहैलाइड बनाते हैं, तो आपके पास जितने भी पेंटाहैलाइड्स सॉरी ट्राईहैलाइड्स आते हैं जो आपके पास, वो सारे के सारे कंपेयर टू NF3 को छोड़ के सभी क्या होते हैं अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल कौन से हो गए, जैसे NF को छोड़ के Cl3N Br3 और Ni3, ये सभी के सभी क्या होंगे अनस्टेबल। अनस्टेबल का रीजन क्या है, एक तो जो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक साइज, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज होता है किसके बीच में, जो एटॉमिक साइज किसका, नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स, इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से पोलरिटी इफेक्ट, मतलब यहाँ पे पोलरिटी इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और पेंटाहैलाइड जो आपके पास होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है पेंटाहैलाइड्स के अंदर कोवलेंट नेचर ज्यादा पाया जाता है, पेंटाहैलाइड्स आर शो द बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, और आपको पता है जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग जितनी ज्यादा मिलेगी उतना नेचर में कैसा होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंट्रल एटम होगा पेंटाहैलाइड्स के अंदर, सेंट्रल एटम ऑन पेंटाहैलाइड्स
ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन विल बी शो sp3 ओनली गैसेस एंड लिक्विड स्टेट. भाई ये पेंटा एलाइड्स होते हैं, देखो पहली बात तो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, कोवलेंट बनाएंगे तो उतने आप में क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास कोई भी आयन क्या नहीं होगी, वैलेंसी नहीं होगी, और जब तक वैलेंस नहीं होगी तब तक चार्ज कंडक्ट करेंगे नहीं. ठीक है, दूसरा सेंट्रल एटम होगा पेंटालाइड का, वाइब्रेशन शो कितनी करेगा, sp3. ठीक है, ओनली किस स्टेट के अंदर ऐसा करते हैं, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर ऐसा करते हैं, बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं करते. ठीक है, एक्सरेज फॉर्म में देखते हैं भाई इनको तो ये हमें स्टेबल नजर आते हैं, पर आयनिक फॉर्म में इनको देखा जाता है तो आपके पास क्या होगा, ये अनस्टेबल शो आते हैं. ठीक है, एक्सरेज मोड में देखा जाता है इनको, एक्सरे एनालिटिक किया जाता है, एनालिटिक करते हो तो ये आपको मिलेगा PCl5N PBr5, ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं. बट यदि आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ऑलरेडी बात है कि आयनिक फॉर्म के अंदर जैसे PCl4 पॉजिटिव आयन, एंड ये मिलेगा आपको PBr6 के फॉर्म में, नेगेटिव आयन फॉर्म में. यानी कि पेंटाहैलाइड्स कोवलेंट के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे पेंटाहैलाइड के अंदर तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा. किसके अंदर, ओनली गैसेस के अंदर, और कहां पे, लिक्विड के अंदर, क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड है ये यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहां पे, सॉलिड के अंदर, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं निकलेगी, क्योंकि किस में आ गया, यहां पे आयनिक कंपाउंड के अंदर आ गया, और आयनिक कंपाउंड के अंदर देखो ये यहां पे कैटायन में शो कर रहे हैं, कैटायन और एनायन के अंदर, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, यहां पे आके अनस्टेबल फॉर्म में आ गए. अब यहां पे एक्सरे फॉर्म में, यानी कि लाइट एक्सरे फॉर्म में देखा, जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में आपने देखा तो यहां पे किस में आ रहे हैं, स्टेबल फॉर्म में, जिससे आपको पता चला कि भाई इन्होंने तो ठीक ठाक बॉन्डिंग बनाई हुई है, ठीक ठाक स्ट्रक्चर है. तो दूसरी, उससे पहले मैंने क्या बोला कि कोवलेंट नेचर के अंदर है, कोवलेंट का मतलब होता है कि उसके पास कोई चार्ज कोई आयन वैलेंसी नहीं है. अब जब तक वैलेंस नहीं होगा, कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टिविटी नहीं होगी, जैसे रेज पास होगी तो ये स्ट्रक्चर्स आपके क्या करेंगे, स्टेबल बनाने स्टार्ट करेंगे. और ऑलरेडी आपको पता है कि नाइट्रोजन इसका जो फर्स्ट फैमिली मेंबर एलिमेंट है उसका डी ऑर्बिटल क्या है भाई, वैकेंट. ठीक है, जो काम ही नहीं कर रहा है आपका, किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से आप इनकी इसके बेस पे ये अपने पास स्ट्रक्चर्स शो नहीं कर रहे हैं. अब जैसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में क्या हो गया, किस में आ गया, ये आयनिक फॉर्म के अंदर आ गया. आयनिक के अंदर जैसे आयनिक फॉर्म में आता है, जैसे आयनिक में आता है तो उसी फॉर्म सॉलिड फॉर्म में आते क्या हो जाते हैं, ये अनस्टेबल. तो यानी कि आप इनको पेंटाहैलाइड की फॉर्म में जब आप स्टडी कर सकते हो तो दो ही कंडीशन पे कर सकते हो, लिक्विड और गैसेस के अंदर, सॉलिड के अंदर दैट इज नॉट पॉसिबल. तो कल हम स्टार्ट जो करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रिपरेशन रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनके प्रिपरेशन करेंगे. कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी बच्चों को डाउट रहता है तो यू कैन डिस्कस, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, या एक जो मोस्टली बच्चों का जो डाउट रहेगा आप मुझे डाउट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बेस पे इसके अंदर कोई भी चेंज करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा. सो थैंक यू फॉर क्लास.